बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर में इंजीनियरिंग एथिक्स जो है हम आगे का देखेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4। ठीक है, जो इससे पहले की रिकॉर्डिंग है और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है ये जो लेक्चर हुआ था, और आज के लेक्चर में हम इससे आगे का देखेंगे। ठीक है जी, तो लास्ट लेक्चर का जो भी स्टफ़ है वो आप लोग काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल पे जो रिकॉर्डिंग मौजूद है उस पर उसे देख लीजिएगा। ठीक है जी, हमने लास्ट क्लास में या लास्ट रिकॉर्डिंग में कहाँ तक किया था? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है जी, ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर, सही है। ये जो है हमारा सेकंड लेक्चर है बेसिकली यूनिट 4 का। जो फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, वो अपलोड हो गया है यूट्यूब चैनल पे। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर, ठीक है। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर दिया था और ये आपकी बुक से है, ठीक है, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि अभी आए हैं या जिन्होंने नहीं देखा पहले, तो वो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, उसके बाद फिर वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उनकी समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर के। एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके सामने स्क्रीन पे है। ऑनेस्टी, विलिंगनेस टू मेक सेल्फ सेक्रीफाइस, ईमानदार होना चाहिए खुद को, यानी कि विलिंगनेस होनी चाहिए उसमें सेल्फ सेक्रीफाइस करने की। एग्जिबिट इमेजिनेटिवनेस, ठीक है, इसके अलावा उसमें जो है वो इमेजन होना चाहिए कि उसकी इमेजिनेटिवनेस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ओपन टू एक्नॉलेजिंग एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स, कि अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना और फिर उसको करेक्ट करना, ये चीज़ उसमें होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कमिटेड टू क्वालिटी, यानी कि हर वक्त क्वालिटी का मतलब एक जो कमिटमेंट है वो उसमें होना चाहिए। वर्क वेल विद अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा काम जो है वो करना चाहिए। एबल टू सी बिग पिक्चर एज वेल एज माइन्यूट डिटेल्स। बिग पिक्चर का मतलब ये बेटा हॉलिस्टिक व्यू, कि किसी भी चीज़ का हॉलिस्टिक व्यू लेना, या जो है वो माइनर डिटेल्स जो है वो, या वो भी होना चाहिए और माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो एक जो रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर है, क्योंकि हमारे जो कोर्स का नाम है वो है इंजीनियरिंग एथिक्स, तो ऑब्वियसली इसमें इंजीनियरिंग भी आएगी। तो एक जो रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर है उसकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एज ए स्टूडेंट्स वॉट आर योर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज ए स्टूडेंट आपकी क्या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आल्सो स्पेसिफाई हाउ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप्स योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज स्टूडेंट्स। अभी अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि इस वक्त आपकी जो क्लास चल रही है उसमें आपकी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ओवरलैप हो रही हैं, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? ठीक है, तो ये एक सवाल आपसे है, ठीक है, और इसका जवाब आपने लिख के मुझे देना है, ये कि एज ए स्टूडेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। डायमेंशंस ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलप लाइफ साइकिल्स, एक इंजीनियरिंग की क्या डायमेंशन है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है। देखिए, जो नाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप होती है तो उसकी एक लाइफ होती है। उसकी लाइफ से मुराद ये है कि इनिशियली वो अपने स्टार्टिंग फेज में होती है, जब वो आपको कोई प्रॉफिट बना के नहीं दे रही होती, सिर्फ पैसा खा रही होती है। उसके बाद एक वक्त आता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करना शुरू करती, ग्राफ यूँ जा रहा होता है ऊपर, ये कर्सर की तरफ देखिएगा, ग्राफ यूँ करके ऊपर जा रहा होता है। ठीक है,
वो प्रॉफिट वाला आपका होता है कि आपका वो प्रोडक्ट ग्रो कर रही है, आपका ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जा रही हूँ करके आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब ग्राफ यूँ करके ऊपर की तरफ गया, ठीक है, अब कुछ अर्से बाद वो स्टैटिक हो जाता है यूँ सीधा स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं मेच्योरिटी, कि प्रोडक्ट अपने मेच्योरिटी की फेज में आ गई है, सही है। और इस वक्त जो है वो आपको ना एक बन गया, एक ब्रांड बन गया, जैसे कि रूह अफ़ज़ा का ब्रांड बन गया है, कर्शी जामशील का ब्रांड बन गया है, बाटा का ब्रांड बन गया है, हश पपीज़, KFC, मैकडोनल्ड्स, बेशुमार ब्रांड है, ठीक है। अब इन पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मेहनत कब करनी है, जब यूँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट या ब्रांड बन रहा है, लेकिन जब ब्रांड बन गया है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया है तो वो अपनी मेच्योरिटी के फेज में आ गया। अब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन चलती है, उसके बाद एक डिक्लाइनिंग फेज़ आता है। ये वाला फेज ऐसा होता है कि अगर ये फेज आने से पहले आपने अपनी प्रोडक्ट को रिवाइटलाइज नहीं किया, यानी कि उस पे पैसा, ब्रांड, या आप यूं कह लें कि उसकी मार्केटिंग, या उसको रेनोवेट नहीं किया, मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रिवाइटलाइजिंग दी ब्रांड, जैसे नाइकी ने किया रिवाइटलाइज, डिफरेंट है, आपने अगर रिवाइटलाइज उसको नहीं किया तो वो फिर डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। आप देखें ब्रांड फॉर एग्जाम्पल PSO, आज से 20 साल पहले PSO का क्या लोगो था, उसकी क्या सर्विसेज थी, और आज आप देख लें फ़र्क है। आज से 20 साल पहले जो PSO का लोगो था आपको गूगल इमेजेस पे मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, और आज आप देख लें PSO का लोगो, उसकी सर्विसेज। इसी तरीके से PTCL की आप मिसाल ले लें, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले PTCL की सर्विसेज और अब में फ़र्क है, बेहतर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है, हैं तो अभी भी बहुत कोई अच्छी नहीं है लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कि ब्रांड को रिवाइटलाइज करना, यानी ब्रांड को दोबारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में या लेमैन टर्मिनोलॉजी में समझाऊँ कि ब्रांड में क्या क्या कमी है, उसको दोबारा ज़िंदा करना, एक बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि ये हैं प्योर मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो रिवाइटलाइजेशन ऑफ द ब्रांड कहलाती है और ये कंपनीज करती हैं। तो एक यूं ग्राफ आता है यूं करके, जिसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यूं करके ग्राफ आता है, ठीक है, ऊपर गया स्ट्रेट लाइन आई फिर यूँ नीचे हो गया, ऊपर गया स्ट्रेट लाइन आई फिर यूँ नीचे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना होता है, नीचे जाने से पहले रिवर्टलाइज करना होता है। तो ये जो साइकिल होती है PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाती है, जो मैंने आपको बताया, और इसी के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी प्रोडक्ट जब डेवलपमेंट हो रही होती है, प्रोडक्ट जब बन रही होती है, तो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है, सही हो गया। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, नॉट अ स्मूथ साइकिल रिक्वायर्स इटरेशन, जारी बात है आसान काम नहीं है, और इटरेशन का क्या मतलब होता है, आप एक काम कर रहे हैं गलत हुआ दोबारा आपने काम किया फिर गलत हुआ दोबारा आपने काम किया सो ऑन, तो इटरेटिव मेथड आप क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी मूव ऑन, आगे की तरफ चलते हैं। एंड इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब एक इंजीनियर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्लाइड पढ़ें आप लोग सब। देखिए ये सारी चीज़ें बुक के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, और जो बुक मैंने आप लोगों को बताई है उसके अंदर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी डेवलपमेंट इटरेशन फेज, एक इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फोकस करे हर एक चीज़ के डेवलपमेंट के इटरेशन फेज पे। Do not hesitate to implement the possible iterations and changings that can make for betterment. यानी कि जो भी possible implementation है या iteration है उसको implement करने में क्या hesitation महसूस ना करें। Close cooperation among engineers, यानी बाकी engineers के दरमियान cooperation रखें close for various engineering departments. आगे देखें exchange information freely between different group of engineers, और exchange करें information को freely डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स में, ठीक है। तो आई थिंक इधर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से लिखा हुआ है, साफ साफ आपकी भी समझ में आ रहे हैं, ठीक है। क्या है सिलो मेंटालिटी, ये कौन होते हैं, कीप इंफॉर्मेशन कंपार्टमेंटलाइज्ड रादर देन शेयरिंग अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो क्या करता है, ऐसी जो मेंटालिटी होती है वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है अपने पास रखता है, बजाय इसके कि वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को शेयर करे। Disregard the work carried out by groups other than their own, अपने काम को अच्छा मानता है, बाकी जो ग्रुप्स के काम है उनको क्या करता है डिसरिगार्ड करता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं,
देखें जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी स्लाइड है। पहले तो इसको देखें थोड़ा सा। पॉसिबल एथिकल इश्यूज माइट बी अराइजिंग इन इंटरनिंग टास्क, ये बड़े अहम स्लाइड है कि कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं। आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज हैव अ क्लोज लुक ऑन दिस, देन वी विल डिस्कस। जी बेटा, देख रहे हैं आप लोग कि एक इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ और पॉसिबल इथिकल प्रॉब्लम्स में कंपैरिजन बताया गया है स्लाइड में, और आपके सामने दोनों चीज़ें। क्या समझ आ रहा है इसमें कि कौन कौन से पॉसिबल इथिकल इश्यूज अराइज हो सकते हैं? देखिए, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ में क्या है, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, ठीक है, क्या इशू आ सकते हैं, ब्लाइंड टू न्यू कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्या है कि आपने एक फॉर एग्जांपल गाड़ी बनानी है, कार बनानी है, मैकेनिकल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन आपने देना है, लेकिन आपके पास नए कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है तो कैसे दोगे? प्रिलिमिनरी एनालिसिस, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है उसकी एक एनालिसिस होती है। एनालिसिस का क्या मतलब कि बड़ी चीज़ को छोटे हिस्सों में तोड़ के, ब्रेक डाउन करके उसके प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को देखना, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। प्रिलिमिनरी एनालिसिस शुरुआत की जो एनालिसिस होती है, बेसिक एनालिसिस उसको कहते हैं। लेकिन इसमें क्या एथिकल प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? ओवरली डिटेल्ड इन डिजाइनर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है, यानी कि ओवरली डिटेल्ड इन डिज़ाइनर्स एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, के जो भी आपके एक्सपर्टीज़ के एरिया है उसमें आपको शायद इतनी डिटेल आपने अच्छे से नहीं देखी हो या ओवरलुक हो गई हो। सिमुलेशन, आपको सभी को पता है इंजीनियरों के सिमुलेशन क्या होती है, लेकिन इसमें क्या एथिकल प्रॉब्लम है? टेस्टिंग प्रोटोटाइप अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इनकम्प्लीट टेस्टिंग, यानी आपकी टेस्टिंग इनकम्प्लीट हो गई या आपने अपनी फेवरेबल कंडीशन में क्या की, प्रोटोटाइप को टेस्ट किया। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी का टेस्ट करना है, अब गाड़ी का टेस्ट क्या है, आपकी फेवरेबल कंडीशन क्या है कि यार रोड साफ होंगे तो मैं टेस्ट करूंगा तो वो गाड़ी कराची में तो फेल हो ही जानी है, क्योंकि कराची में आपको ऐसे रोड नहीं मिलेंगे। तो मसला क्या हुआ कि आपने जो गाड़ी बेटा डिज़ाइन की, उसको आपने हाईवे पर चला लिया, वहाँ तो उसने टेस्ट पास कर दिया, लेकिन जब वो कराची की सड़कों पर आएगी तो फेल हो जाएगी, क्योंकि आपने देखी अपनी फेवरेबल कंडीशन, आपने कहा यार मैं यहाँ टेस्ट कर लेता हूँ, अब वहाँ तो टेस्ट पास हो ही जाएगा, जहरी बात है। लेकिन वो गाड़ी क्या कराची की सड़कों के लिए बनाई गई, सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे जापान की गाड़ियाँ, ठीक है, जापान की गाड़ियाँ कहाँ के लिए बनाई गई, वहाँ की जापानीज और जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ की कंडीशन और वहाँ के जो रोड हैं उसके हिसाब से बनाई गई हैं, जो नीचे होती हैं कराची की सड़कों पर गड्ढे हैं, वो जापान की गाड़ी लगती है नीचे, उसकी जो प्लेट होती है, ठीक है, तो वो यहाँ की कंडीशन के लिए बनाई नहीं गई, सही है, उसकी जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वो वहाँ के मुताबिक है। अब यहाँ क्या मसला है, टू टाइप फॉर एक्सेप्टिंग एनी मॉडिफिकेशन। अब उसमें शुरू शुरू में जब आई थी पाकिस्तान में तो उसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे थे, ठीक है, तो टू टाइप फॉर एक्सेप्टिंग एनी मॉडिफिकेशन, डिज़ाइन चेंजेस नॉट केयरफुली चेक्ड। एक एथिकल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की लेकिन आपने उसमें कोई मार्जिन इतना नहीं रखा कि वो टू टाइट फॉर एक्सेप्टिंग एनी मॉडिफिकेशन, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन का कोई मार्जिन नहीं रखा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि उसके अंदर के आप उसमें क्या मॉडिफाई करेंगे, क्या आप आगे मतलब उसमें कर सकते हैं, उसका आपने कोई मार्जिन ही नहीं रखा है। डिज़ाइन चेंजेस नॉट केयरफुली चेक्ड, ये गलती भी हो सकती है कि आपने डिज़ाइन के जो चेंजेस हैं उसको केयरफुली चेक ना किया हो, तो आपसे ये गलती ये भी हो सकती है। आगे चलते हैं, ये परचेजिंग की बात करते हैं। तो परचेजिंग में क्या इथिकल प्रॉब्लम आ सकती है? स्पेसिफिकेशंस रिटर्न टू फेवर वन वेंडर, क्या आपने क्या किया, फेवरेटिज्म कर दिया, जिसको कहते हैं निपोटिज्म करना है, फेवरेटिज्म करना कि एक वेंडर के ही फेवर के अंदर, शायद वो आपको पैसे ज़्यादा देता हो या कोई और मसला हो, सारी बात उसी के फेवर में कर दी परचेजिंग की जब बात आई, सही हो गया जी, ठीक है। अब आखिरी चीज़ आप लोग बताएंगे मुझे, देखें इसमें क्वालिटी में क्या बात कह रहे हैं।
जी बेटा, क्वालिटी में देखें क्या बात कह रहा है, समझ आ रहा है? क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग से क्या मुराद है कि अगेन वही बात कि जब भी कोई चीज़ बन जाती है तो उसका क्वालिटी एक होता है, चेक होता है। ठीक है जी, क्या होता है? उसका क्वालिटी चेक होता है। तो क्वालिटी चेक और टेस्टिंग करने में क्या इथिकल प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि वो इंडिपेंडेंट ना हो बट कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर्स और टेस्ट रश्ड और रिजल्ट्स फॉल्सिफाइड, यानी कि इंडिपेंडेंटली और ऑटोनोमस तरीके से उसका क्वालिटी चेक नहीं करवाया जाए। आप देखें हर कंपनी में क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस के एक डिपार्टमेंट होता है, इनफैक्ट कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी क्यूए डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस का, जो हर वक्त इस बात को मॉनिटर कर रहा होता है कि क्या क्वालिटी अप टू द मार्क है या नहीं है। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी के ताबे नहीं होना चाहिए वो। अब आप समझ रहे हैं मेरी? तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल के नॉट इंडिपेंडेंट बट कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर, या किसी मैनेजर के इन्फ्लुएंस में आया हुआ है और उसके थ्रू वो हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो नहीं हो। तो ये इथिकल इशू है। तो ये आप देखें कि इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ लिखी हैं और उनके सामने हर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या इथिकल प्रॉब्लम या इशू आ सकता है, वो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। ठीक है, मजीद आगे इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसको देखें। देखें एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या इथिकल प्रॉब्लम आ सकती है? फॉल्स एडवर्टाइजिंग रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी क्वालिटी एटसेट्रा। क्या आप ये देखें कि फॉल्स एडवर्टाइजिंग हो सकती है? ठीक है, फॉल्स एडवर्टाइजिंग में यानी आप देखें कि अभी टीवी पे जो इश्तहार चलते हैं तो उसके अंदर भी आप देखें कि इश्तहार में दिखाते कुछ और हैं, लेकिन जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वो एक्चुअल में होती कुछ और है, उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो कि आपको इश्तहार में या टीवी पे दिखाई जा रही होती है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक एथिकल इशू है। इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग सब कॉन्ट्रैक्टेड और इनएडिक्वेटली सुपरवाइज्ड। अगर आप किसी भी चीज़ की इंस्टॉलेशन के लिए बाहर से बंदे बुलाते हैं, या आप बाहर से बुलाते हैं, कंपनी के लोग आते हैं, तो क्या होता है कि वो सही काम नहीं करते, या उनका सुपरविजन अच्छा नहीं होता, या इनएडिक्वेटली यानी सफिशेंट ना हो, उसको कहते हैं इनएडिक्वेट। वो सुपरवाइज सब कॉन्ट्रैक्टेड आउट होते हैं, इनएडिक्वेटली सुपरवाइज्ड यानी कि वो सही तरीके से काम नहीं करते। ठीक है, ये इशू आ सकता है आपके पास कि भाई इंस्टॉलेशन के लिए आपने बंदे बोला और उन्होंने सही तरीके से काम ही नहीं किया, तो अब क्या होगा? ठीक है जी, आगे चलें, आगे बताएं और क्या 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 जा रहा है। मेंटेनेंस पार्ट्स रिपेयर्स, अगर आप मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं तो अगेन वही बात कि इन एडवोकेट सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स, अगर स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है आपके पास, ये हेजिटेशन है टू रिकॉल द प्रोडक्ट व्हेन फाउंड फॉल्टी। अगर आपने प्रोडक्ट जिसे कहते हैं फॉल्टी फाउंड की, तो उसमें आप उसको दोबारा वापस नहीं ले सकते। मैं आपको यहाँ पे केस स्टडी बताता हूँ। आपको याद होगा सैमसंग ने एक नोटबुक लॉन्च की थी, उसमें मसला ये आ रहा था कि आग लग लग जा रही थी। एक बार जहाज़ के अंदर ये हुआ और एक बार ये इंसिडेंट हुआ कि एक बंदे की पूरी गाड़ी जल गई। ठीक है, तो एनीवे सैमसंग को कम्पनसेट करना पड़ा था, तो सैमसंग ने ये बात खैर उनको तो कम्पनसेट किया जिसकी गाड़ी जल गई पूरी, क्योंकि उस नोटबुक में कोई फॉल्ट था और उसमें बार बार आग लग लग जा रही थी। तो सैमसंग की रेपुटेशन हो रही थी ख़राब, और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि जहाज़ के अंदर यानी एयरलाइन में पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी सैमसंग की नोटबुक को कैरी नहीं करेगा। तो आप देख लें कि इसमें इससे कितनी रेपुटेशन उस कंपनी की या ब्रांड की ख़राब हुई। तो सैमसंग का ये इथिकल इशू था या नहीं, एक केस स्टडी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम में इसी तरह की केस स्टडीज मौजूद होंगी,
देखें कि सैमसंग में इथिकल इशू था। अब सैमसंग ने किया किया कि मार्केट से जितने भी उन्होंने सेल आउट किए थे ये नोट बुक जिसे कहते हैं जिसमें फॉल्ट आ रहा था, वो सारे के सारे वापस ले लिए। R&D का फॉल्ट था ऑब्वियसली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फॉल्ट था, तो दोबारा उस पर काम किया, उसको सही किया। सही है, सबसे पहले तो मार्केट से उठा लिए वापस सारे के सारे जितने भी सोल्ड आउट किए थे। उसके बाद उसको दोबारा करने के बाद, सही है, सही करने के बाद, R&D में भेजने के बाद जो भी फॉल्ट आ रहा था, ठीक है, उसको सही किया और आफ्टर डेट जो है उसको दोबारा मार्केट में लेके आया। तो ये एक बड़ा इथिकल इशू अराइज हो गया था। अब फर्ज करें कि अगर वो कंपनी सही नहीं करती तो फिर क्या होता, ये इथिकल इशू था, उस कंपनी के रेपो चली जाती। तो ये मेंटेनेंस, पार्ट्स और रिपेयर्स में सबसे अच्छी मिसाल ये सैमसंग की केस स्टडी की है। मजीद आगे चलते हैं, मॉनिटरिंग इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगेन वही बात के अगे मॉनिटरिंग इफेक्ट्स क्या है, अभी मैंने बात की थी साइकिल ऑफ प्रोडक्ट की, ये लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, PLC कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC कहते हैं, ठीक है, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर नहीं है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है PLC। तो नो फॉर्मल प्रोसीजर्स फॉर फॉलोइंग लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। देखो अगेन वही बात, PLC यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की भी प्रोसीजर्स होते हैं, SOPs होती हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई उसके अंदर रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइज द ब्रांड, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट है। जब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ख़त्म होने जा रही होती है तो एक पॉइंट पे आके या एक नहज पे आके उसको रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मुख्तसरन ये कि मॉनिटरिंग इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या आपने प्रोडक्ट सेल आउट कर दे उसके क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए भी फॉर्मल प्रोसीजर्स और SOPs होते हैं। हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो हर चीज़ को करने के लिए प्रॉपर चीज़ें SOPs होते हैं। जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास है तो एक SOP के तहत ही हो रही है ना, कि यार जूम पे लेनी है, जिस पे लेनी है, इस तरह से लेनी है, वगैरह वगैरह। आखिर में चलते हैं रिसाइकलिंग या डिस्पोजल, क्या आपने किसी भी चीज़ को रिसाइकल करना है, डिस्पोजल करना है, जैसे कोई वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, अब आप उसको समंदर में बहा दें और मछलियां मर जाएं उससे, तो क्या ये इथिकल है? या अगर कोई क्या जिसे कहते हैं धुआं है और इस उसकी वजह से जैसे लाहौर में स्मॉक जो है वो पैदा हो गई है और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है पाकिस्तान में लाहौर कह लें, इंडिया में न्यू दिल्ली कह लें, ये सिटीज़ हैं, किस वजह से कि यहाँ पे जो है वो जो धुआं है जो चिमनी से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, वो ज़्यादा है, जो कि फाइनली स्मॉग जो है वो पैदा करता है और पोल्यूटेड बनाता है, तो क्या ये एथिकल है कि मैं अपनी फैक्ट्री रन कर रहा हूँ उसका जो वेस्ट है या तो मैं समंदर में बहा रहा हूँ जिससे जो मैरीन लाइफ है, मछलियाँ वगैरह हैं, वो डिस्टर्ब हो रही हैं या वो मर रही हैं, या अगर मैं अगर एनवायरमेंट में छोड़ रहा हूँ तो उससे स्मॉग पैदा हो रही है, तो एथिकल तो नहीं है किसी भी लिहाज से, हैजर्डस है, ठीक है। तो आप ये देखें कि लैक ऑफ अटेंट, अगर मैंने उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का जो प्रॉपर तरीका है वो है उसको दफनाना ज़मीन के अंदर, क्योंकि ज़मीन अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो तो बड़ी से बड़ी चीज़ अपने अंदर समो लेती है, तो उसको दफनाना ही है, ठीक है बेटा। आगे की तरफ चलते हैं, एक स्लाइड हम और ले लेते हैं, ठीक है, आज के लेक्चर में। देखिए अंडरलाइंग कॉजेस of problems, lack of vision, क्या मसाइल के जो causes होते हैं, क्या है, lack of vision है, vision नहीं है, incompetence है, बंदा competent ही नहीं है, lack of time, proper time नहीं दे रहा, silo mentality हम पहले describe कर सकें, भाई मैं अपने काम अपने तक रखूँगा, किसी दूसरे से share नहीं करूँगा, the notion that problem will be cashed by someone later, improper disposable of product, dishonesty है, inattention है, ठीक है, ये वो बेटा सारी चीज़ें हैं जो कि problem का cause बनती हैं, ठीक है जी। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सारी चीज़ें इश्यूज पैदा करती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं और आपसे लाइव इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है, आप लोग जाइएगा नहीं तो वैसे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद मैं आपसे लाइव सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन और इंटरेक्शन रखता हूँ, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।